जात और धर्म के नाम पे समाज का बंटवारा दरअसल इस देश की जो आम आवाम है उनके हक हकूक को छीनने और मारने की साजिश है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय के साथ साथ हमको सामाजिक एकता की जरूरत है। यह बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। चुनाव को समीकरण बना दिए हैं, उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। कोरोना का बीमारी जात पूछ करके हो रहा था? नहीं 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 नहीं, ये जो है पंडित जी का लड़का है, इसको को नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो जो है दलित है, इसको हो जाते हैं। जात पूछ करके कोरोना होता है? डेंगू का मच्छर आपके कान के पास आता है, पहले आपका आपका उपनाम पूछता है, बताओ कौन जात हो, कौन जात, उसके बाद काटता है। कब तक पूर्वक बनाइएगा जी, कब तक पूर्वक बनाइएगा? देखिए पूर्वा पछिया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है दो चार को सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है। बोलिए, भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, और जो कोना कोना कौन कोना सतली पुतह कोना करना चाहते हैं वो यही गुनागणित करेंगे। राष्ट्रकवि दिनकर ने एक बात कही है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। विपक्षी एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सदाकत आश्रम की भूमि समझ सकती है। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दूसरे की लकीर मिटाते रहते हैं। हम आशावादी लोग हैं, किसान परिवार में पैदा लिए हैं, हम लोग किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर खींच कर दिखाएंगे, नया बिहार बनाकर दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं है सत्ता में, बिहार की सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों ने सत्ता छीनी थी, बिहार की जनता जब उनके घर पे जाते हैं लोग वोट मांगने के लिए, तो पूछे ना कि बताओ क्या दिए हो हमको 30 साल में, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। एक साथी ने हमको कहा कैसे कीजिएगा, तो हमने कहा अपने दोनों दोस्तों की तरफ इशारा करके कि देखिए हार्दिक की तरफ, देखिए जिग्नेश की तरफ और देखिए हमारी तरफ, कोई पृष्ठभूमि है, कोई पृष्ठभूमि है, कोई परिवार में ऐसा है जिसका नाम लेकर के हम लोग राजनीति कर सकें, है कोई हमारा इतिहास? हम आपकी तरह एक साधारण इंसान का बच्चा है, हम तीनों का कोई पृष्ठभूमि नहीं है। जिसके जिसके पास बाबूजी का थाती है ना, सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिए हैं, कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, हमारे जैसे पृष्ठभूमि वाले दो और आंदोलन से निकले हुए नेता यहां बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिएगा, एकमात्र नेता राहुल गांधी जो हाथ बांह फैला करके हम जैसे पृष्ठभूमि वाले लोगों को गले लगाते हैं। कि रास्ते में आते हुए एक पत्रकार ने हमको भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट खराब है, हम बोले कि अगर इस हिसाब से जोड़िएगा तो 40 में से एक सीट पूरे विपक्ष ने मिलकर के जीता है, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता। आप स्ट्राइक रेट का हिसाब लगा।